शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एच डी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे निकलर ऐप संबंधी कुछ कॉमन समस्याएं, कारण एवं उनके समाधान। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कॉमन समस्या है नो डाटा फाउंड मैसेज का। तो इसका कारण हो सकता है, पहला कारण निकलर ऐप में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है शिक्षक का मोबाइल नंबर सीजिस को डॉट इन पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। और तीसरा कारण हो सकता है नंबर बदलने के कारण नया नंबर सीजिस को डॉट इन पोर्टल में अपडेट नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसका समाधान। तो इसका समाधान होगा अपने डीडीओ के माध्यम से अपना नया नंबर सीजिस को डॉट इन पोर्टल में अपडेट करवाने के उपरांत एनआईसी को अपना नाम, मोबाइल नंबर, यूडाइस कोड एवं टीचर कोड मैसेज कर दें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस नंबर पर मैसेज करना है। आगे देखते हैं यूडाइस कोड पुराने स्कूल का दिखाई दे रहा है, ये एक और इशू है। तो इसका कारण हो सकता है स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति के कारण। आगे देखते हैं इसका समाधान। अपने डीडीओ के माध्यम से नया यूडाइस कोड सीजी स्कूल डॉट इन पोर्टल पर अपडेट करवा लें। यदि सीजी स्कूल डॉट इन पोर्टल में सही यूडाइस कोड दिख रहा है परंतु निकलर में नहीं दिख रहा है तो अपनी डिटेल एनआईसी को भेज दें, नाम, मोबाइल नंबर, पुराना यूडाइस कोड, नया यूडाइस कोड और शिक्षक कोड। तीसरा समस्या जो कि कॉमन समस्या है और सबसे ज़्यादा इसी समस्या का सामना सभी शिक्षकों को करना पड़ रहा है, वो है छात्रों की संख्या एवं नाम सही नहीं आ रहा है। तो इसका कारण हो सकता है, पहला कारण स्टूडेंट एंट्री पोर्टल में छात्रों की लिस्ट सही नहीं है तो उसे सबसे पहले आपको अपडेट करना होगा। दूसरा कारण हो सकता है निकलर में छात्रों की संख्या अपडेट नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसका समाधान। पहला है स्टूडेंट एंट्री पोर्टल में छात्रों की संख्या एवं नाम ठीक करने के बाद अपने स्कूल का यूडाइस कोड एनआईसी को मैसेज कर दें। अब मैं आपको अंतिम में बताता हूँ कि आपको किस नंबर पर कुछ भी समस्या हो इसके अलावा तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है। फॉर मोर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7000192912। दोस्तों निकलर ऐप संबंधी आपकी कुछ भी समस्या हो तो आपको डायरेक्ट इसी नंबर पर कॉल या मैसेज कर देना है।